मुख्य चुनाव अधिकारी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो में जिले के सभी एआरओ के साथ मतदान की तैयारियों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस मौके पर मुख्य चुनाव अधिकारी ने निर्देश दिए कि मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षित करके उन्हें ईवीएम और वीवीपैट के बारे में पूरी तरह से निपुण कर दिया जाए, जिससे मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत न उठानी पड़े। इस दौरान एआरओ व जीडीए उपाध्यक्ष अमित सिंह बंसल, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, एडीएम वित्त व राजस्व विधान जायसवाल, एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ताकि फिर उसके बाद तत्काल आ जाएगा, खंडी मीटिंग ये नीति शुरू हो जाएगा। टीवीएस का एक अलग हॉल होगा, वहाँ स्कैनिंग के बाद चाहे तो काउंटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा उसमें सबमिशन ये है कि एक बार स्कैनिंग के बाद जब पोस्टल बैलेट निकल आया तो दैट इज पोस्टल बैलेट, अब फिर वी हैव टू सिफ्ट ऑल द पोस्टल बैलेट। ये कहते हैं सीट ऑफ द स्कैनिंग ऑफ टीवीएस सेम टेबल पे ही रहेगा। होता है जिसके अंदर पोस्टल बैलेट होता है वो स्कैनिंग वाली टीम ओपन भी नहीं करेगी, ओनली इनसाइड है जो वो लिफाफे हैं जिसके अंदर पोस्टल बैलेट निकलेगा वो आरओ की टेबल पर, जो आरओ टेबल मींस की जो एडिशनल एआरओ टेबल पर ओपन करके उसको काउंट किया और यही 14 टेबल पर काउंटिंग करेंगे। एआरओ जो कंसर्न है दे विल बी प्रोटेक्टेड टू कैरी देयर मोबाइल फोन, क्योंकि जो एंट्री एआरओ के लॉगिन से होगी सुविधा पर उनकी उसके लिए उनको मोबाइल पर उनका पिन कोड जनरेट होगा और वो पिन डालने के बाद ही वो लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए उनको कोई भी पहली दूसरी किसी जो भी लोकेशन वाइज आपको ठीक लगे उसके केबिन को कैश केबिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ एक टेबल को आई एम रीस्टेटिंग दिस पॉइंट की जो 14 ईवीएम की काउंटिंग की टेबल लगेगी उसमें भी एक टेबल को कैश टेबल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ के जो टेबल हैं उन्हीं पर होंगी और सिर्फ एक में होंगी 1x1। अगर